ये वो बच्चे बैठे हुए हैं इस वक्त जो कि हमसे पहले आईटी की ट्रेनिंग्स ले चुके हुए हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग ले चुके हैं, फिर इन्होंने एफआर टावर में ही उसकी एग्जीबिशन की। पाकिस्तान की कामयाबी में जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है ना, वो आएगा टेक्नोलॉजी से। हम लोगों के साथ जो अभी कलेबरेशन है वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की है और अरफा करीम फाउंडेशन के साथ 10,000 स्कूल्स हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के, उन स्कूल्स के अंदर आईटी की ट्रेनिंग्स करवानी, उनको बच्चों को फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना। एक साल में कम से कम किसी भी बच्चे को 150-200 किताब पढ़ लेनी चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें बुराई तो कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मैडम? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक मैडम। क्या बात है, माशाल्लाह बच्चे छोटे छोटे शाइनिंग स्टार्स के साथ बैठ के एंजॉय हो रहा है। एंजॉय हो रहा है। अच्छा, व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग हियर? सो हमारा अरफा करीम फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग डिफरेंट कम्युनिटी स्कूल्स के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाके आईटी सेंसिटाइजेशन करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देते हैं। ये वो बच्चे बैठे हुए हैं इस वक्त जो कि हमसे पहले आईटी की ट्रेनिंग्स ले चुके हुए हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग ले चुके हैं, फिर इन्होंने एफआर टावर में ही उसकी एग्जीबिशन की और नाउ दे आर हियर। सो वी वर जस्ट हैविंग अ चिट चैट। अच्छा, एक्सीलेंट। तो आप इनको इन ट्रेनिंग्स में क्या सिखाते हैं उसमें? हम लोग इसमें इनको चैट जीपीटी सिखाते हैं, कैनवा सिखाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग देते हैं, बेसिक डिजाइन की ट्रेनिंग देते हैं, मतलब कुछ इस तरह की चीजें सिखा रहे हैं जिसके बाद कम से कम $40-$50 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से ये बच्चे अर्न करने की कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि ये सारे बच्चे छोटी सी एज में कुछ कमा रहे हैं। ये इनमें से बहुत से कमा रहे हैं। मैं अभी इनसे यही पूछ रही थी कि कौन से ऐसे हैं जो अभी तक नहीं कमा रहे, मुझे बताओ जरा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो कमा रहे हैं जी सारे? एक्सीलेंट मैडम, एक्सीलेंट। और जो बच्चियां हैं, अगर कोई घर का काम करती है, जैसे कोई स्टिचिंग का काम करती है, कोई खाना बड़ा अच्छा बना लेते हैं, कोई डेकोरेशन है, कोई ज्वेलरी का काम करती है, तो वो बच्चियों ने अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे सोशल मीडिया पेजेस पे और कैनवा से डिजाइन करके फिर उनको सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर इन्होंने उनकी प्रॉपर प्रोफाइलिंग की अपने प्रोडक्ट्स की। दिस इज हाउ दे विल ब्रिंग अ चेंज इंशाल्लाह। एक्सीलेंट मैडम, एक्सीलेंट। आई एम वेरी सरप्राइज्ड टू सी। और इन बच्चों के में जो जितना ये ब्राइट टैलेंट है पाकिस्तान का, होपफुली आप लोगों की मेहनत के साथ, आपकी कंट्रीब्यूशन के साथ, ये पाकिस्तान को और आगे लेके चले इंशाल्लाह। टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी को किस तरह चेंज कर रही है, क्या हेल्प कर रही है, आपके ख्याल में क्या है ऐसा? मुझे ऐसा लगता है इस सवाल का जवाब हम नीचे कंप्यूटर लैब में चलते हैं, वहाँ पर आप बच्चों को देखें भी कि हाउ दे आर यूजिंग द टेक और उस टेक को यूज़ करते करते कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स ये सीख गए और उसी में फिर आपके बहुत से सवालों के जवाब भी होके कंप्यूटर लैब में चलते हैं। सो अभी हम लोग कंप्यूटर लैब में चलते हैं और कंप्यूटर लैब में मैं आपको जो आपका सवाल था उसका जवाब देती हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग किस तरह से सोशल चेंज लेके आ सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए या डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम से। सो आई थिंक अगर हम लोग इसी स्कूल की मिसाल ले लें तो यहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन 200 बच्चे के करीब ट्रेन किया और एक गेम चेंजिंग, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी इज़ अ गेम चेंजर और जो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, लोगों के लाइफस्टाइल चेंज करेगा, जो इकोनॉमिक बर्डन इस वक्त हमारे ऊपर बन रहा है यूथ इस तरह का, जो ना पढ़ा लिखा है ना उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी है कमाने की, सो वही बच्चा ट्रेन होकर कम से कम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से $40-$50 कमाना शुरू कर दे, सो इट विल ब्रिंग अ वेरी गुड चेंज इन द सोसाइटी इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ जब पढ़ेंगे लोग, पढ़ने के साथ साथ टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, सो हम लोग शायद लेवल अप कर सकें या ब्रिज कर सकें एक बहुत बड़े गैप को जो इस वक्त इंडस्ट्री का और एकेडमिया का भी है। सो उससे भी एक सोशल पैरिटी आ सकती है, इक्विटी को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। लड़कियां, आपने देखा लड़के सब इकट्ठे कंप्यूटर लैब्स में बैठते हैं, काम करते हैं, एंड इट्स समथिंग जो कि अलार्म कर रहा है इस वक्त, एक बहुत अच्छी वाइब्स भी दे रहा है और अलार्म कर रहा है फॉर द प्रॉस्परस कंट्री। पाकिस्तान की हारमोनी और पाकिस्तान की कामयाबी में जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है ना, वो आएगा टेक्नोलॉजी से, सिर्फ और सिर्फ इंशाल्लाह ताला। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपके नज़दीक कौन से ऐसे नोटेबल एग्जांपल्स हैं टेक ड्रिवन सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स, कौन कौन से हैं हमारे कंट्री में? मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अखुवत की मिसाल है, इट्स बेमिसाल। इनफैक्ट अल खिदमत फाउंडेशन है, अरफा करीम फाउंडेशन है, वी आर ब्रिंगिंग अ वेरी गुड चेंज इन द सोसाइटी थ्रू डिजिटल एजुकेशन। सो इस डिजिटल एजुकेशन को हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल के आगे लेके चलना है इंशाल्लाह ताला, स्टेप अप
और स्टेप अप करके इस वक्त सारे पाकिस्तान कम्युनिटी और जितनी भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो सारे पाकिस्तान के साथ होते हैं, लेकिन उन्हें इस वक्त ये शायद समझने की ज़रूरत है कि उनका ये साथ और ज़्यादा चाहिए, उनकी वो सपोर्ट और ज़्यादा चाहिए ताकि इस पॉजिटिविटी को और इस ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को और ज़्यादा स्प्रेड किया जा सके पाकिस्तान के हर सेगमेंट में। How can partnership between government, NGOs and tech companies drive positive social change? एक तो मिसाल आपके सामने है इस सोशल चेंज की, सबसे बड़ी मिसाल है कि हम लोगों के साथ जो अभी कलेबरेशन है वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की है और अल्फा करीम फाउंडेशन के साथ 10,000 स्कूल्स हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के, उन स्कूल्स के अंदर आईटी की ट्रेनिंग्स करवानी, उनको बच्चों को फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना, उनको इंक्यूबेशन के लिए अपने ही जो हमारे टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स हैं उनके अंदर इंडक्ट करना, दीज ऑल आर द थिंग्स एंड अ एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अच्छा ये बताइएगा कि हाउ कैन टेक्नोलॉजी एम्पावर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन पाकिस्तान? इसका जवाब मैंने आपको पहले से दे दिया है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को टेक्नोलॉजीज ही है जो सुपर कनेक्ट कर सकती हैं और उनको इनेबल कर सकती हैं। इस तरह के बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर और बहुत से लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं फाउंडेशंस में और अपने अपने तौर पर, लेकिन अगर वो सब लोग मिल जाएं और मिल के कलेबरेट करके बड़े सोशल चेंज के लिए एक वन नेशनल एजेंडा पे काम करें, सो आई थिंक दैट विल क्रिएट अ बिगर इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। अच्छा मैं अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे ना करूँ तो मुझे लगता है कि ज्यादती होगी, और वो ये क्वेश्चन है कि वो कौन से ऐसे रूल्स हैं जो टेक क्रिएटर्स को याद रखने चाहिए जब वो कोई टेक्नोलॉजी को बना रहे होते हैं टू हेल्प द सोसाइटीज। सबसे पहले तो जो सोशल नॉर्म्स हैं और जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं किसी भी सोसाइटी की वो कंप्रोमाइज़ ना हो। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो इतना इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए उसके जो भी इंटरफेस हैं कि कोई भी इंसान उसके साथ आसानी से अडेप्ट कर सके। तीसरी चीज़ जो है वो ऑब्वियसली एथिक्स है, वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट एथिक्स जो हमारा कोर है, एंड इट मस्ट बी अ सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर एनी ऑफ द पर्सन। द लास्ट क्वेश्चन, what are the potential risks and downsides of relying too heavily on technology for social solution? So agar hum technology ki baat karte hain aur technology mein agar hum specifically is cheez ki baat kar rahe hain ki wo usme risk kaun se involve hain aur usse hame fayde kya ho sakte hain, to bahut se is tarah ke usage log kar rahe hain technology gadgets ka jo ke shayad theek nahi hai, lekin wo bandar ke haath mein maachis aa jaye to wo pure jungle ko aag bhi laga sakta hai, लेकिन अगर एक अच्छी बंदरिया होगी तो उसे खाना बनाएगी, अपने घर को सर्व करेगी और अच्छा सा आगे लेके चलेगी उस चीज़ को। आई थिंक द बेस्ट थिंग आर टेक्नोलॉजी कैन डू टू एनीथिंग एनीबडी वो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक इतनी इनहांस्ड वैल्यू है कि मैं आपको बता नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ क्विक नंबर जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, अगर हम सिर्फ के 10 लाख बच्चे को ही ट्रेन कर लें, इस 10 लाख बच्चे के लिए रिस्क नहीं है, इसके लिए फेसबुक को यूज़ करना जो है वो एक चैलेंज नहीं होना चाहिए, वो एक करेक्टर असैसिनेशन हमारी बच्ची की नहीं होनी चाहिए कि अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है तो वो गलत है। अगर वो उसको राइट यूज़ करें तो उससे वो हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स कमा सकेंगे इनिशियली, और इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं, बहुत से स्कूल्स हैं, बहुत से कॉलेजेस हैं जो कि ग्रास रूट लेवल पे इस चीज़ को आगे लेके चलना चाहते हैं। जिस चीज़ की कमी है वो जाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज़ इन इज़ द रिक्वायरमेंट। तो जो रिस्क है उसमें ये भी है कि हम अच्छाई, हमारी पूरी ज़िंदगी रिस्क है, हम अच्छे रास्ते को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, हम गलत रास्ते को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, चॉइस हमारी अपनी है। सो टेक्नोलॉजी का राइट यूजेज और रॉन्ग यूजेज जो है उसमें मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस की और बेसिक डिजिटल लिटरेसी की जैसे हम लोगों ने एक एपिसोड में पहले डिस्कशन की थी वो ज़रूरत है, सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जहन में आता है कि एक कंप्यूटर्स होंगे, उसमें गैजेट्स होंगे, स्मार्ट गैजेट्स होंगे, लेकिन अभी हम एक लाइब्रेरी में करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस टेक्नोलॉजी ने हमें इस बुक से, इन लाइब्रेरी से कितना दूर कर दिया हुआ है और इसको हम इस गैप को किस तरह फिल करेंगे? अच्छा लाइब्रेरी, मुझे ऐसा लगता है जो किताबें हैं ना ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। इट मीन्स के मैं एक इंसान का फलसफा उसकी सोच को इसमें पढ़ रही हूँ और शायद मैं उससे मुतासर भी हो रही हूँ। यही सारी चीज़ें इस वक्त हमारे पास ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं,
इनके लिए शायद इनको परचेज करने के लिए लाइब्रेरी की मेंबरशिप पहले लेनी पड़ती थी, पहले पैसे होने चाहिए जेब में, तभी आप ये जाके किताबें खरीद सकते हैं। फिर इन किताबों की सस्टेनेबिलिटी, फिर यूज ऑफ पेपर आफ्टर कटिंग द ट्रीज, सो वो सस्टेनेबल शायद पूरी दुनिया के लिए ही नहीं है, इको फ्रेंडली ना हो, लेकिन क्या ही अच्छा है कि इस वक्त टेक्नोलॉजी की ही मदद से हमारे पास ये सारी किताबें ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, और अगर नहीं है तो हमें उनकी डिजिटल कॉपीज़ को अपलोड करना चाहिए ताकि लोगों की रसाई में वो चीज़ें ऑनलाइन भी अवेलेबल हो, पूरी दुनिया में लोग पढ़ सकें उन चीज़ों को। इसका मतलब ये है कि ये जो बुक्स जो हैं ये भी पढ़ने के साथ साथ हमें इनको ऑनलाइन भी अवेलेबल होना जरूरी है। यस, बिल्कुल ऐसे तो, लेकिन कोई एक ऐसा मैसेज कि हमारी ये जो बुक पढ़ने की रवायत है इसको हम मेंटेन रख सकें, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो इस बुक की फॉर्म में हो। कामयाबी का एक सिंपल फॉर्मूला है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी लोग इस एपिसोड को सुन रहे हैं, वो मैसेज बड़ा सादा सा है और वो ये है कि किताब आपको हमेशा बिल्ड करती है, किताब पढ़ने से आपके जहन खुलते हैं। बुक रीडिंग को अपनी आदत बनाइए और बुक रीडिंग पूरी कीजिए और उसमें नोट्स बनाएं छोटे छोटे से, और उनसे जो चीज़ें आप सीख रहे हैं उनको बाकायदा नोट करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करें। एक साल में कम से कम किसी भी बच्चे को जो 20 साल से या 25 साल से कम का है उसको 150-200 किताब पढ़ लेनी चाहिए, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बट वी शुड रीड बुक्स। थैंक यू मैडम।